सारे पुआ को निकाल दिए हैं। इतना सारा पुआ मतलब बनवा करके लाए हुए हैं। देख बढ़िया कुंदा लाओ ना, गांव में खटिया ऐसे ही बनाई जाती है। और दोस्तों इधर शुरू हो चुकी है खटिया मतलब की घोरना, देखना फटाफट फटाफट घोर रहे एकदम। इधर ऐसे ऐसे करना ना, किना किना कर दे बताओ। और कितना भी सुंदर लग रहा दोस्तों हमारा खटिया, इधर देखिए दो को कलर हो गया कॉम्बिनेशन। और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर सुंदर नोड़ा बनाए हुए, और इधर कितना ही इधर अच्छा से इधर खाटी गोरे नाना जी। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों अभी 8 बज रही है सुबह की, और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी बाबू इधर थोड़ा सा दूध पी रहा, और यहाँ अभी धूप लगा रहे हैं क्योंकि सूर्यदेव निकल गए ना। वो देखिए सूर्यदेव पूरा दिन निकल गया, दिन वहाँ से डायरेक्ट हमारा घर में धूप आता है, अभी धूप लगा दे रहे हैं तो बाहर अभी कहीं निकल नहीं रहे, अगर निकल भी रहे तो बस अपने यहीं तक, और फिर हो सके तो मतलब जाना पड़ेगा हॉस्पिटल लेकर के, ठीक हुआ नहीं है देखते हैं कब जाएंगे। और आज पापा जी आज मतलब नाना जी को गए थे लाने और लेकर के आए, और खटिया आज हमारा घर में बनेगा ना, बाबू सोएगा ना इसलिए। नाना जी आ भी गए हैं, इधर चिंकी मिंकी आराम से इधर धूप लगा रहे हैं, और मम्मी इधर खाना पका रहे हैं, और देखिए इधर ही खटिया बना रहे हैं, खटिया बनाने का ही मतलब शुरू कर रहे हैं। पहले इसको ही करना पड़ता है, कहते नाना नुड़िया वही है है ना। देखिए ये जो खाटी बना हुआ है ये भी ऐसे ही डोरा है, कलर भी लग रहा है कि सेम हो गया, थोड़ा उदास हो गया होगा, तो खटिया बनना शुरू हो गया। वगैरह लेकर के आए हैं, और वो खाटी है जो सारा सेट किया हुआ वो भी लेकर के आएंगे, और खाटी बनाएंगे आज पूरा बना देंगे अच्छा से, क्योंकि ये खाटी हम वहाँ से लाए थे ना, वहाँ पे भी दिक्कत होता सोने के लिए, ये वो खाटियाँ बिछा हुआ हमेशा रहेगा मतलब धूप उप लगाने के लिए। और मौसम भी काफ़ी बढ़िया किया हुआ है, काफ़ी एकदम तेज़ धूप निकला हुआ है। स्कूटी इधर निकाल के रख दिए, चांदो गए उधर छोड़ने के लिए स्कूल, तो पापा भी इधर खाटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कते देर लगते हैं नन्ना वो खाटी बने में, आई हो ये खाटी बनने में कितना देर लगते है? अब यहां वो है तो डोरा देखो से आती है, वो किना वो है किना ये खराब है डोरा, काफी मेहनत भी है देख रहे, एक एक ये लगता है। कैसे न कैसे डिजाइन का जाना बनाओ ले, हां मैं ये डिजाइन जाने है बाबा, डिजाइन वाला खाटी हम नहीं पा रहे है बनावे ले, डिजाइन डिजाइन यहां डिजाइन नहीं देखा लगे हम। ये खाटी बनने में पूरा एक दिन लग ही जाएगा जैसे भी बता रहे थे, इधर खाना पीना भी बन रहा है, खाना इधर निकाल भी दिए, खाना इधर निकाल दिए, खाना आप खा करके अब लगेंगे थोड़ा सा नुड़िया रहे हैं उसको, उसके बाद फिर काम पे भी जाएंगे, अब खाना खा लेंगे उसके बाद अब करेंगे। अब उठ गया कि सो ही रहा नाना जी खाना पीना खा ली और कह रहे खटिया लाने के लिए, तो यहाँ रहे खान दो चार दिन है ना, दो चार दिन यहाँ रहे, हाँ यहाँ रहे मुकान दो लिए ना, फ्रूट्स देखे वहाँ फ्रूट्स वगैरह सेब वगैरह तो खा लेंगे हंसी आराम से नाना जी, ठीक है बढ़िया बढ़िया है ना, चलो चार पांच को बच्चा ले दो ना, कैसे ले सेब खोल ले, दांत आओ ने खो, दांत आओ ने खो, दांत आओ ने, दांत आओ देखा तो दांत आओ, दांत देखे कैसे खावे, खाटी लेकर के आ रहे नाना जी के लिए, देखो तो खत्म है उससे पहले मैं आ जाऊं, खटिया वहां पे रखा हुआ है उसको लेकर के आना है। अभी आ गए ये घर तक, और खाटी यहीं पे रखा हुआ है, वो देखिए खाटी रखा हुआ इसे जो पड़ा हुआ ना वो वाला, तो ही लेकर के जाना है, वही वाला बनाएंगे घोरेंगे उसको, ऐसे करके ले जाना होगा। तो खटिया को ले आए और नाना जी यहाँ घोरेंगे, खुजी गला खुजी गलाई, सारे पुआ को निकाल दिए हैं, इतना सारा पुआ मतलब बनवा करके लाए हुए हैं, तो बना रही है तो वैसे बना रही है, देखी खाटी कैसन बना रही, कैसन बना रही है, तो दो तीनों खाटी बनेगा, देख बढ़िया कुंदा लाओ ना, इधर खाटी इधर छोले तो छोलना पड़ेगा, और रुकना नहीं है तो ये देखिए छोले है,
और खाना पक रहा है इधर। कच्चू का सब्जी हमारा घर में बन रहा, कच्चू का सब्जी है भाते करा बना हुआ सब्जी बन रहा, एक बार खा लिए दोबारा बन रहा। सब्जी नहीं बना था, दाल भात ही लोग खाया भुंजिया के साथ, काम पे लगना ना इसलिए। अब खटिया के इधर ठोकना शुरू कर दिए, अब थोड़ा सा बना के अब घोरेंगे। देखिए इधर यहाँ लेटा दिए हैं, अब बनाएंगे। गांव में खटिया ऐसे ही बनाई जाती है। बढ़िया तरह से हो गया ठोका हुआ, रियाजी भी थोड़ा सा। इसको मेटना है क्या है? कान सबको मेटना है, धूप आ गई। हमारे इधर कोई मेटते नहीं है कान, आप लोग कमेंट करते मेटने के लिए। सर हवा नहीं लग रहा है। इधर बाबू का तेल मालिश होगी, मम्मी जी बाबू को तेल मालिश कर देंगे। और दोस्तों इधर शुरू हो चुकी है खटिया, मतलब कि घोरना। देखना इधर फटाफट फटाफट घोर रहे एकदम, इधर मजबूत है ना। नाव लोग कैसे सीखता खाटी, इधर ऐसे ऐसे करना ना, किना किना कर दे बताओ। नाना जी का अभी हम थोड़ा इधर हाथ बटा रहे हैं क्योंकि एक आदमी से होता नहीं है। देखिए इतना सा खाटी अभी इधर से, मतलब इतना सा बन गया खाटी, इतना सा घोरा गया। देखिए इसका डिजाइनिंग मतलब कैसा लग रहा है, अभी फाइनल हुआ नहीं, जब फाइनल होगा तो काफी अच्छा लगेगा। अभी इनका उम्र हो रहा लगभग 60+60 नहीं, पापा जी का तो मेरा हो गया 50 साल, समथिंग 48-50 साल तो इनका हो ही गया होगा, 70+ हो गया भाई, 70 साल तो हो ही गया होगा। फिर भी टमाटा में, और अभी जियेंगे अभी 20-30 साल अभी और, देख रहे हैं कितना टमाटा में एकदम। इनका शरीर में जितना दम है नहीं लग रहा है कि उन लोग का शरीर में उतना होगा। पहले किना किना खाए लिया, हरा साग, हरा साग, डुमर, डुमर, महुआ सुहावा, भूंजल, भूंजल, मौना साग। आजकल आजकल तो पूछबे नहीं घर कैसे हरा साग है, से हरा साग नहीं देख लाए नहीं। और दोस्तों अभी इतना सा हो चुका है, बाकी अभी बाबू के जो कपड़ा सब है ना, ये सब कुछ सराफ में थोड़ा साफ करना है, जो टॉयलेट कर लिया, सुसु कर लिया। यहाँ सराफ थोड़ा सा दे दिए, इसको घोलते हैं, इसको फूलने के लिए देंगे, फिर तालाब लेकर के जाएंगे, फिर वहीं पे काचेंगे ये सब। तो दोस्तों सराफ में यहाँ डाल दिए थे, और भी एक दो कपड़ा ले लिए बाबू का चांदनी के, अब जा रहे हैं तालाब साफ करने, और साफ करके आते हैं। बाकी ना इधर खटिया बना ही रहे, साबुन का सर सर में साबुन देंगे, और बाकी सब जो है जो शराब दिए थे वो सब काचना है, साबुन भी ले ही आए हैं। दोस्तों हो गया सारा कपड़ा साफ, क्या हुआ बढ़िया तरह साफ कर लिए, अब जाकर के पसार देंगे तो सूखता रहेगा दिन भर। सारे कपड़े को पसार दें, हो गया सारा कपड़ा पसारा हुआ, अब सूखता रहेगा, अब जाके हम भी खाना पीना खाएंगे, खाए नहीं। और बाकी अभी तो नाना जी भी आ गए, यहाँ पे धूप वगैरह लगा रहे हैं, और इतना सारा खाटी मतलब कि हमारा घोरा चुका है। पापा जी और नाना दोनों को मिल करके घोर रहे हैं, कुछ इस तरह से खटिया घोरा जाता है, कुछ ना पड़ता ये लेकर के, और आधा एक घंटा में हो जाएगा घोरा हुआ, उसके बाद और खाटी घोरना होगा, और भी रस्सी ला करके रखा हुआ है। हाँ बाद माटी दे, और मम्मी जी इधर भात बांट दे रहे हैं, यह भात यहाँ लगा मतलब कि परोस दिए थे, लगा हुआ था। खा ले नानी, खा ले, सभी लोग खाना खा ले, अभी हम खा रहे हैं जबकि अभी टाइम होने चला 11, समय नहीं मिलता ना, 11 बज गया। और दोस्तों खाना पीना खा लिए, और जो पहला वाला जो खाटी था वो हो चुका है बढ़िया तरह से घोरा हुआ, सेकेंड खाटी को भी घोर रहे हैं, अभी भी ज़्यादा देर लगेगा नहीं, और अभी ये घोरना शुरू भी कर दिए हैं। और ये जो पहले वाला था, पहले वो सोबर ड्रॉ में बनाए हुए थे, ये वाला रस्सी से, ये सोबर डोरा है, और आपकी जो बना रहे हैं ये वाला, ये प्लास्टिक का, ये लालून डोरा, ये मतलब ज़्यादा ठीकेगा। और पहले वाला इसलिए बनाया कि वो बाबू को भरोसे उसे लेने के लिए सुविधा होगा। और देखिए कुछ इस तरह से बनाने पड़ते हैं, वहाँ से ऐसे करके उधर से करके इधर से पार किए हैं, इधर खटिया बनना इधर शुरू हो गया है। और ये देखे दोस्तों कितना सुंदर सुंदर नोड़ा बनाए हुए, और इधर कितना ही इधर अच्छा से इधर खाटी गोरे नाना जी, अब बका रहे थोड़ा सा, ये खाटी हो चुका कंप्लीट, और ये सेकंड वाला खाटी है। और देखना भी बाबू सोएगा ना, क्योंकि ठंडा का दिन आ गया, बाहर में खटिया बिछा देंगे, ले गोर ले, देखे रो रहा है उधर, अब मम्मी जा रहे थोड़ा सा उसको उठाने के लिए। ये हो चुका ऐसे खाटी, ये सेकंड वाला खाटी है,
काफी टाइम लग जाता है ऐसे दो आदमी, इसलिए जल्दी हो रहा है। और कलर भी बढ़िया है, एगो एगो सोवाई डोरा वाला था, ये वाला है प्लास्टिक डोरा वाला। और दोस्त अभी लग गए अभी खाटी में भरने के लिए, सभी लोग हम भी मिल गए ताकि जल्दी होगा, इनको भी जाना अभी है छोड़ने के लिए नाना घर, मतलब ननिहाल जाना छोड़ने। इनका बैल बकरी सब बंधा हुआ है ना, बैल बात है कि घोड़ने आता नहीं, इसीलिए इनको लेकर के आए हुए थे पापा जी जा करके। जाबे नाना नहीं है रहा जाएंगे कह रहे। और कितना भी सुंदर लग रहा दोस्तों हमारा खटिया, इधर देखिए दो गो कलर हो गया कॉम्बिनेशन ना, काफी अच्छा लग रहा है दो गो कलर का, यहाँ नोड़ा बना करके बनाते जा रहे हैं, इधर काफी अच्छा लग रहा है। और बाबू को इधर तेल लगा दे रहे हैं तो इसलिए रो रहा है, कह 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 कर रहा है, काफी कर रहा है। खटिया बनाते हैं मिल करके सभी लोग। और दोस्तों खाटी भी कंप्लीट हो गया और सभी लोग नहा धोवा करके इधर रेडी हो गए हैं। और नाना जी भी उधर तैयार हो गया, धोती कुर्ता पहन के गमछा ले लिया कंधा में जाने के लिए अपना घर। यहाँ रहो, कहा है क्या ले रहे अबे, यहाँ यहाँ खावे, यहाँ रहे वहाँ का बूढ़ी ले लिया नहीं है। अरे देखो बूढ़ी आई, ये देखिए। और नानी इधर बाबू के इधर खिला रहे, इधर अभी हाफ हार के सो रहा है, हवा लगता ना बाहर में। और ये रहा खाटी जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा बन गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। दिक्कत हो रहा था सोने उने के लिए, हो गया पूरा। ये वो रूम, ये वो इसमें खाटी रहेगा, उसमें रहेगा, दो खाटी बनाया, ये वाला खाटी और एक अंदर में रखा हुआ खाटी। ये दिखा रहे, ये देखिए ये वाला खाटी है, दो खाटी बन गया। ये वाला हम भोरसी उर्सी लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और बाकी अभी जाएंगे अभी छोड़ने के लिए पापा जी, अभी घर तक इनका गाँव यहाँ से होगा 13-14 किलोमीटर दूर है, कह रहे रहने के लिए तो मानेंगे। आज दो दिन होने चला, पूरा दो दिन हिलाओ नहीं हिलाओ ना, पूरा दो दिन अभी हुआ भी नहीं है। तो रिया जी भी निकल गए हैं ना, तो चलिए अब ये घर जाएंगे अपना घर। खाटी उटी तो बना दिए, जाओ आराम से फिर आओ। अब जा रहे हैं अपना घर, गाड़ी वहाँ पे खड़ा है तो लेके जाएंगे पापा जी। अब चले इन लोग दोनों, पापा जी भी जा रहे हैं छोड़ने, खाटी हमारा तो बन ही गया। बाकी वो खाटी ये हो गया और अंदर में दो खाटी है, लगभग खाटी का जो काम है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब ठंडा आने चलाना था। देखिए बाहर में कितना धूप है, तो खटिया रहेगा तो आराम से इधर बाबू को बैठा देंगे, मतलब सुला देंगे, बढ़िया हो जाएगा। ये वो ये वाला नया खाटी बना, पुआ नया है, ये बनारी पुराना है और रस्सी नया है। खाटी का जो आराम है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको, पलंग में नहीं है उतना अच्छा नहीं लगता। ये जो स्प्रिंग वाला जो पलंग आता है ना, स्प्रिंग वाला है वो गद्दा, उसका मुकाबला ये करेगा वाला ना। तो उसका दाम भी काफी है, 15,000-20,000 ऐसे मिलता है। लेकिन पुआ से बनवा करके लाए हुए थे मार्केट से, कुंदवा करके। नाना जी भी चले गए है ना, पापा जी गए छोड़ने के लिए, भेंट दे दिए रिया जी उनको। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।